देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। दिल्ली चव्हाण एक वन परिक्षेत्र अधिकारी जिसे लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है, मेलघाट वन के अंतर्गत आने वाला हरिसाल में एक सरकारी आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार रात 8 बजे के बीच की है। पिछले महीने एक पुलिस अधिकारी ने गला दबाकर आत्महत्या कर ली। दीपाली चव्हाण का शव धारणी तालुका के हरिसाल में व्याघ्र प्रकल्प के सरकारी घर में पाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद किसी को भी घर में 1.5 घंटे तक घुसने नहीं दिया गया। पता चला है कि दीपाली ने अपने पास मौजूद सरकारी बंदूक से खुद को सीने में गोली मार ली। उसके गर्भवती होने की भी सूचना है। परिचितों ने अनुमान लगाया है कि दीपाली, जो स्वभाव से हसमुख और आधुनिक विचारक है, आत्महत्या नहीं कर सकती। एक सूत्र के अनुसार दीपाली के साथ हमेशा उच्च श्रेणी के वनाधिकारी द्वारा अपमान किया जाता था। अफसर आए और एक दो दिन पहले गए, उस समय दीपाली सो गई थी। दीपाली ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है। समझ नहीं सका कि इसमें क्या लिखा गया था। समझा जा रहा है कि घटना के समय मृतक के घर पर कोई नहीं था। जब दीपाली धूलघाट रेलवे स्टेशन पर थी, तब उसने सलाईगम के तस्करों का पर्दाफाश किया था। उन्होंने हरिसाल में रोरा, मांग्या और मलूर गांवों के पुनर्वास के लिए बहुत कुछ किया था। सोमवार को दीपाली ने प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राजकुमार पटेल और उप विभागीय पुलिस अधिकारी संजय काले मौके पर पहुंचे। पुलिस की जांच चल रही है।